प्रीकंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन, यानी कि आग जलाने के लिए तीन शर्त जरूरी है आग जलाने के लिए। वो तीन शर्त ये है कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। अगर मैं आपको तीनों शर्त ऐसे ही बता दूँ कि पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, तो शायद आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताऊँगा तो शायद आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे सोडा एसिड फायर एक्शन से, फोम टाइप फायर एक्शन से, ड्राई पाउडर फायर एक्शन से, ये सब फायर एक्सटिंगशर है, यानी कि आग बुझाना। तो आग बुझता कैसे है, तो इसका मेन जो काम होता है वो ये होता है कि एयर को वहाँ से हटा देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ जाता है। यानी कि जब कभी आग जलता है कहीं पर तो वहाँ पास ऑक्सीजन होता है, तभी जल पाता है। और अगर ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो आग बुझ जाता है। तो ये फायर एक्सटिंगशर का काम ये होता है कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले आता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो कंबसन नहीं होगा। तो पहला यही है कि ऑक्सीजन रहना चाहिए। अब दूसरा यह है कि एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लो आप एक माचिस लिए और उसे जलाए और कोयला को जलाने खोज रहे एक माचिस से, तो जल सकता है। या फिर आप एक माचिस से लकड़ी को जलाना चाह रहे हैं तो जल सकता है, नहीं। लेकिन अगर आप वही माचिस से अगर एक पेज को या फिर कोई कपड़ा को जलाते हो तो आसानी से जल सकता है। तो ये क्या हुआ, इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि जिस सब्सटेंस को हमको जलाना है उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर होना ज़रूरी है। उस सब्सटेंस को जलाने के लिए हीट एनर्जी उतना रहना चाहिए। अगर वो हीट एनर्जी नहीं रहेगा उतना तो नहीं जल सकता है। और अब तीसरा ये है कि जिसे हम सबको जलाना है वो सब्सटेंस रहेगा तब तो। अगर पत्थर है तो पत्थर को जला सकते हैं, कभी नहीं जलेगा। लोहा, इसे जला सकते हैं, इसे पिघला सकते हैं, लेकिन जला सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर वही आप कागज, पेंसिल, लकड़ी, फ्यूल अगर इस सब को जलाते हो तो वो आसानी से जल सकता है। तो ये हुआ 3 नेसेसरी कंडीशन। पहला था अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, दूसरा था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा है प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। डेट सोल्ड। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए।